नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और हम देख रहे थे लॉजिकल रीजनिंग का सिलोजिज्म का कंसेप्ट और हम आज करेंगे एक्सरसाइज एक। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख के आइए ताकि आपकी समझ बनी रहे और आपको सॉल्यूशन करने में या फिर अभी जो हम करेंगे उसमें क्या हो रहा है वो पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डायरेक्शन तो आप सबको पता होगा, आंसर कैसे देना है वो भी पता होगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि क्या है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, सम कैट इज़ ड्यू, कुछ कैट क्या है, ड्यू है। तो ये सी फॉर कैट और कैट का सम पोर्शन किस में जाएगा, ड्यू में जाएगा। ठीक है, नो ड्यू इज़ डॉग, कोई भी ड्यू डॉग नहीं है। तो डॉग को हम पूरा लिख देंगे क्योंकि ड्यू और डॉग में मिक्सअप ना हो जाए, डॉग और ड्यू में कोई रिलेशन नहीं है। सम डॉग इज़ फॉक्स, कुछ डॉग्स क्या है, फॉक्स है। तो चलिए डॉग का कुछ पोर्शन फॉक्स में डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, सम कैट इज़ नॉट फॉक्स, कुछ कैट जो है मतलब ये कैट का कुछ पोर्शन है वो फॉक्स नहीं है ऐसा बता रहा है। अब कैट यहाँ पे है, फॉक्स यहाँ पे है, डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। जैसे कि कैट का किसके साथ रिलेशन है, ड्यू के साथ, और ड्यू का डॉग के साथ रिलेशन नहीं है। मतलब कैट का जितना पोर्शन ड्यू में है उतना पोर्शन डॉग में नहीं जाएगा, बट वो फॉक्स में तो जा सकता है। तो फॉक्स के लिए तो वो क्या रहेगा, डाउटफुल ही रहेगा। हम उसको ना ही फॉलो कर सकते हैं और ना ही अनफॉलो कर सकते हैं, हम उसको डाउट में ही रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम फॉक्स इज ड्यू, कुछ फॉक्स क्या है, ड्यू है। फॉक्स कहाँ पे, ये रहा, ड्यू कहाँ पे, ये रहा। सीधा रिलेशन तो कोई दिया नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन सम नॉट का बन सकता है कि जितने फॉक्स डॉग में रहेंगे वो ड्यू नहीं बनेंगे। तो अल्टीमेटली ये भी क्या रहेगा, डाउट में। दोनों कंक्लूजन डाउट में, तो हम उसको तो आंसर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इधर और के लिए सोच सकते हैं। इधर और के लिए सबसे पहली कंडीशन कि दोनों कंक्लूजन डाउट में हो, और कैट फॉक्स, फॉक्स ड्यू, मतलब फॉक्स तो कॉमन निकला बट कैट कॉमन नहीं है, तो हम दोनों ही कंक्लूजन को फॉलो नहीं करेंगे। तो हम आंसर करेंगे नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोस। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन में समझ आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल डॉल इज़ न्यू, सारे डॉल क्या है, नए हैं। तो सारे डॉल, ऑल डॉल इज़ न्यू। फिर क्या लिखा है, नो डॉल इज़ कलर, कोई भी डॉल कलर नहीं है। नो डॉल इज़ कलर, कोई भी डॉल कलर नहीं है, तो उसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये चीज़ समझ लो, डॉल का कवर के साथ कोई नाता, कलर के साथ कोई नाता नहीं है, न्यू का कलर के साथ पूरा पूरा नाता हो सकता है, पूरा पूरा ना भी हो। ठीक है, सम कलर इज टाइम, कुछ कलर क्या है, टाइम है। तो सम कलर इज टाइम, ये हमारा डायग्राम रेडी हो गया। सबसे पहला कंक्लूजन, सम न्यू इज नॉट कलर, कुछ न्यू, ये पूरे न्यू है और उसका कुछ पोर्शन ये रहा। सम न्यू इज नॉट कलर, तो डेफिनेटली सम न्यू इज़ नॉट कलर डेफिनेटली फॉलो होता है, क्योंकि न्यू के अंदर पूरे के पूरे डॉल है और डॉल कलर नहीं है, तो जो पूरा डॉल का पोर्शन है वो न्यू का सम पोर्शन है। तो सम न्यू इज़ नॉट कलर डेफिनेटली ट्रू। सम टाइम इज़ नॉट डॉल, टाइम कहाँ है, ये रहा। टाइम का कुछ पोर्शन कहाँ लाई कर रहा है, कैट में, सॉरी कलर में, और कलर किसके साथ नहीं रिलेशन रख रहा, डॉल के साथ। मतलब टाइम का जितना पोर्शन कैट में होगा, सॉरी कलर में होगा, वो कलर डॉल में नहीं जाएगी। तो डेफिनेटली सम टाइम इज़ नॉट अ डॉल इज़ डेफिनेटली ट्रू। तो ये दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा ई, बोथ द कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज, इसमें कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि टाइम का जितना पोर्शन कलर में है और कलर डॉल में नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि सम टाइम इज़ नॉट अ डॉल। ठीक है, नेक्स्ट, सम रोड इज मेल, कुछ रोड क्या है, मेल है। ठीक है, सम रोड इज मेल। फिर क्या लिखा है, ऑल मेल इज बोट, सारे मेल क्या है, बोट है। और नो बोट इज बाइक, कोई भी बोट बाइक नहीं है। अब बाइक का पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने बोट को सिर्फ बी से डिनोट किया है। ठीक है, अब बोट का बाइक से कोई चक्कर नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं है, तो मेल का भी बाइक से कोई भी चक्कर नहीं जाएगा क्योंकि मेल पूरा का पूरा बोट के अंदर है। तो इसको इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, सम रोड इज़ नॉट बाइक, कुछ रोड बाइक नहीं है। अब रोड कहाँ पे है, ये रहा, कुछ रोड इनके साथ अटैच है और ये पूरा का पूरा
किस में नहीं जाता, बाइक में नहीं जाता। तो डेफिनेटली आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि रोड का जितना हिस्सा मेल में है और मेल बाइक में नहीं जाएगा, तो वी कैन से दैट उतना पोर्शन ऑफ रोड, सम रोड आर इज नॉट बाइक। तो डेफिनेटली ये कंक्लूजन सही है, सही ना। नेक्स्ट, नो मेल इज बाइक, कोई भी मेल बाइक नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि बाइक का बोट के साथ कोई नाता नहीं है और मेल पूरा का पूरा बोट के अंदर है, तो मेल का भी बाइक के साथ कोई नाता नहीं रहेगा। तो मतलब ये कंक्लूजन भी डेफिनेटली सही रहेगा। तो आपके दोनों कंक्लूजन सही हैं, तो आंसर जाएगा ई, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। चलिए एक और देखते हैं, सम पेपर इज नॉट पेन, कुछ पेपर, ये पेपर है और इसका कुछ हिस्सा है वो पेन नहीं है, ठीक है। बाकी सारा हिस्सा पेन बन सकता है, आप बेसिक कंसेप्ट में देख सकते हो। नो पेन इज सेंटर, कोई भी पेन सेंटर नहीं है, नो पेन इज सेंटर, ठीक है। और सम सेंटर इज ट्राइंगल, कुछ सेंटर क्या है, ट्राइंगल है। अब कंक्लूजन करते हैं, नो पेपर इज सेंटर, कोई भी पेपर सेंटर नहीं है, ये पेपर है और ये सेंटर है। अब हमें इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कोई पता ही नहीं है और इनडायरेक्ट वाला भी कुछ नहीं है, तो अगर रिलेशन कोई दिया ही नहीं गया हो तो हम उसको जज नहीं करते, हम उसको डाउट करते हैं। डाउट का मतलब ये होता है कि हम उसको इधर और के लिए सोचने के लिए रख रहे हैं, बाकी तो वो फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, नो ट्राइंगल इस पेपर, कोई भी ट्राइंगल पेपर नहीं है, ये रहा हमारा ट्राइंगल और ये हमारा पेपर, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम कैसे जजमेंट दें, जजमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सर ऐसा कैसे कर रहे हैं कि जजमेंट कैसे दें, ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको बेसिक लेक्चर मेरा देखना रहेगा, क्योंकि मैंने वहीं पे एक्सप्लेन किया है कि हम क्या करते हैं। दोनों कंक्लूजन डाउट में इधर और के लिए सोचने के लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब पेपर और सेंटर, अगर आप पेपर का सब्जेक्ट मानते हो तो सेंटर प्रेडिकेट, या तो सेंटर का सब्जेक्ट मानते हो तो पेपर प्रेडिकेट, ठीक है। पेपर तो कॉमन है बट सेंटर कॉमन नहीं है, तो इसकी वजह से दोनों ही अनफॉलो होंगे, तो हमारा आंसर रहेगा नीदर कंक्लूजन वन नॉट कंक्लूजन टू फॉलोज। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, और क्या लिखा है, ऑल पॉइंट इज कॉल, सारे पॉइंट क्या है, कॉल है। फिर क्या बोला है, नो कॉल इज रेड, अब कोई भी कॉल रेड नहीं है तो पॉइंट भी रेड नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट पूरा का पूरा कॉल के अंदर है। ऑल रेड इज नॉट, सारे रेड क्या है, नोट है। अब ये नो का रिलेशन किसके साथ था, कॉल के साथ था, जबकि नोट का रिलेशन कॉल के साथ हो भी सकता है ना भी हो सकता है, उसी तरह पॉइंट के साथ हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन, ऑल रेड इज अ नोट, सारे रेड क्या है, ये रेड नोट। हमें स्टेटमेंट ने दिया है ऑल रेड इज नॉट, और कंक्लूजन भी पूछ रहा है ऑल रेड इज नॉट, तो डेफिनेटली ये फॉलो करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही रीस्टेटमेंट आ जाए तो वो फॉलो करता ही है। ऐसा मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं फॉलो करेगा, बट एक चीज़ समझ लो, आपको आंसर देने से मतलब है। रीजनिंग क्या कहता है, स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको कंक्लूजन को जज करना है क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली वो हो रहा है तो कंक्लूजन क्या होगा, सही, ठीक है। नेक्स्ट, नो पॉइंट इज रेड, कोई भी पॉइंट रेड नहीं है, पॉइंट कहाँ है, ये रहा, रेड कहाँ है, ये रहा, और मैंने पहले ही बता दिया था कि कॉल से अगर वो नाता नहीं रखता तो वो पॉइंट से भी नहीं रखेगा, तो दोनों कंक्लूजन फॉलोज करेंगे, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बोथ द कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी सिलोग्स का क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आइदर और का कंसेप्ट, ताकि वो आइदर और का कंसेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको PDFs प्रोवाइड करता रहता हूँ, वीकली करंट अफेयर्स की, या फिर इंपॉर्टेंट डेज इन थीम की, या फिर CM गवर्नर्स, ऐसे बहुत सारे नोट्स। फेसबुक पे हमें लाइक कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, IBPS गुरुजी के साथ बने रहिए, थैंक यू।